क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9. ठीक है, एक पॉइंट ले लो पी जो कि है 2, -5 और एक पॉइंट ले लो क्यू जो कि है 2, -2, -9. कोई पॉइंट है आपका वो ले लो ओ जो एक्स एक्सिस पे है. ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा 5, 0 या -2, 0 तो उसमें हमेशा आपका एब्सिस्सा आएगा. ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस वाला कोई पॉइंट नहीं होगा, वाई हमेशा जीरो होगा. ऐसे ही अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा जैसे कि होगा 0, 2 तो उसमें एब्सिस्सा जीरो होगा, आपके पास सिर्फ ऑर्डिनेट आएगा यानी कि 0, 1. ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे है तो उसको मैं ले लूँ 0. ये मैंने लेट करा है, हमेशा ये चीज याद रखनी है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वो होगा आपका 0. अब क्या करेंगे, अब ये जो ओ है वो जितना इससे दूर है उतना इससे दूर है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, बस कुछ भी नहीं करना, पहले यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए. ओपी है ना 2 - x का 2 - x क्योंकि x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 गया और -5 - 0 का स्क्वायर. ऐसे OQ लगा लो, OQ क्या आएगा जब हम OQ में यहां पुट करेंगे तो OQ आ जाएगा यहाँ पे -2 - x का स्क्वायर +9 में से 0 गए. अब इनको सॉल्व कर लो, हमें पता है कि दोनों साइड रूट है तो आप सिंपल क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड. जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे रूट हट जाएंगे. ठीक है, तो 2 - x क्या होगा, 2 - x का स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर खोल लो, ये आएगा a² + b² - 2 × a × b यानी कि 4x और -5 में से 0 गए तो -5 और उसका स्क्वायर होता है 25, ये आ गया. यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर क्या होगा a² + b² + 2 × a × b क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना तो प्लस की आइडेंटिटी लगा लेते हैं और 9 का स्क्वायर होगा 81. अब यहाँ आएगा 4x² - 4x और 25, ये वाला 25 और 4 इकट्ठा होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा 29 बन गया. यहाँ पे भी आएगा 4x² और ये आपका बनेगा प्लस का 4x और 81. ठीक है, अब ये x² अगर मैं सारा कुछ इधर ही ले आऊंगा, x² - 4x, एक काम करो ये डायरेक्ट इधर उतार लो, 4x + 29 आ गया, -4 - x² - 4x और 81 इधर है. ठीक है, तो x² में से x² गया, 4x कटिंग नहीं होगी, वो आ जाएगा -8x. ठीक है, वो आ जाएगा मेरा -8x, 4 और 4 मेरा -8 और ये 81 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 81 में से 29 गए, 81 में से जब आपके 29 जाएंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 ये वाला 4 भी है जब ये कटिंग हो गई इधर x² से x² की. अब क्या करेंगे, ये वाला 4 भी इधर आया ना तो 29 में से 4 गए, ये आपका आएगा 25, 81 में से 29 में से 4 गए यानी कि 25 - 25 तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 5, 56 और x हो जाएगा 56/-8 यानी कि x क्या हो जाएगा -7. जो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे जो इससे भी इक्विडिस्टेंट है पी से भी क्यू से, वो पॉइंट आपका हो जाएगा x, 0 दैट इज -7, 0 इज द आंसर. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, ये हमारा था 7th क्वेश्चन. अब 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड वाई इफ पी क्यू इज 10. ये भी बहुत ईजी टाइप है, आपको y फाइंड करना है
अगर पी और क्यू दो पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको 10 दिया हुआ है। पी क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, -3, और इधर से आपको क्यू दिया हुआ है 10, y, और मुझे y निकालना है। भाई दोबारा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लगाओ फॉर्मूला, राइट। 10 में से 2 गए, इसका स्क्वायर y माइनस ऑफ -3 यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो आप एक काम करो, जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे रूट हट जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 100। ठीक है, रूट कट गया, इधर 100 आ गया। अब 10 में से 8 गए 64, 10 में से 2 गए 8, और 8 का स्क्वायर अभी 64 ले लेंगे, और आइडेंटिटी खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 हो जाएगा 73। ये 100 भी इधर ले आओ, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसमें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे फिटिंग लगाओ, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन आ गई है y स्क्वायर प्लस 6y, डायरेक्ट दिख रहे हैं 9 थ्री का क्या होता है 27, और 9 में से 3 गए वो क्या होता है 6, तो यहाँ पे 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लू, y प्लस 9 आ जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y प्लस 9, तो y माइनस 3 इंटू y प्लस 9। तो y की दो वैल्यूज, क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y, तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि y हो जाएगा 3, और y प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 9। तो दो वैल्यूज आ गए, एक आ गया y 3 और एक आ गया y माइनस का 9। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये इक्विडिस्टेंट वाले सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, थोड़ा सा बस आपको रिलेशंस फॉर्म करके इनको इंटरप्रिटेट करना। क्वेश्चन है, इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, भाई दोबारा भाई ये हमारा कोई पॉइंट है क्यू 0, 1, ये पी से भी इक्विडिस्टेंट है 5, -1, और आर से भी इक्विडिस्टेंट है x, 6। आपने x फाइंड करना है, फिर आपने पी आर फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले दोबारा से वही निकालते हैं x। अब हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 5 में से 0 गए और माइनस 3 में से 1 गए, ऐसे यहां पे x में से 0 गए और 6 में से 1 गए। ठीक है, तो ये आएगा 25 और ये हो जाएगा आपका -4, -4 का होता है 16, और यहां पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, रूट रूट जाएगा स्क्वायरिंग करके, ये बचेगा आपका 25 प्लस 16, ये 25 इधर ले आओ, x स्क्वायर उधर ही रहने दो, 25 से 25 गया तो x स्क्वायर आ गया आपका 16, यानी कि रूट उतारोगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 4, x की वैल्यू आ गई। अब x की दो वैल्यू आ रही है, एक बार आ रही है प्लस 4, एक बार आएगी माइनस 4। क्लियर, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पी आर निकालना है, पी आर अगर यहाँ पे x को मैं 4 ले लू, ठीक है x को 4 ले लू, तो ये 4, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी आर हो जाएगा 4 में से 5 गए x2, -x1 प्लस y2, -y1, 6 में से -3, -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, दैट इज √82। √82 यूनिट्स आ गया पी आर अगर x 4 है। अगर x को -4 ले लू यहाँ पे, यहाँ पे x -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा मेरा -9, -9 का भी स्क्वायर होता है 81 एंड +9 का भी स्क्वायर होता है 81, तो ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, आप एक काम करो 81 यहाँ पे कॉमन ले लो,
तो ये अंदर बचेगा 81 इंटू टू, ठीक है, तो नहीं 81 प्लस 81, हम इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 2162 आ गया, 81 प्लस 81, तो यहाँ पे काम करेंगे 81 यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, ऊपर रूट है 81, रूट में से बाहर आ जाएगा 9, तो ये अंदर बचेगा 2, 9 रूट 2 आपका क्या आ जाएगा यूनिट, अगर आपका x क्या है -4, एक में आपका प्लस था एक में माइनस था, 9 रूट 2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्यू आर निकालना है, क्यू आर भी ऐसे निकाल देंगे, एक बार 4 माइनस का लिया एक बार प्लस का लिया, और अब क्यू आर क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा -4 एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, -4 में से 0 गया, -4 का स्क्वायर 16, और 6 में से 1 गए 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि आएगा रूट 41 यूनिट्स। अब एक ही क्वेश्चन में देखो हमने कितना कुछ निकाला हुआ है, पहले x निकाला, x को दो बार पुट करा, एक बार +4 पुट करके PR निकाला, एक बार -4 पुट करके PR निकाला, फिर क्या हुआ निकाला, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो रहा है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट, वही दोबारा एक पॉइंट एक्स को मैं वाई, इसको ले लो आप एक्स पॉइंट को, या फिर ले लो पी ले लो, और ये इक्विडिस्टेंट है, एक पॉइंट ले लो ए 3.6 और एक पॉइंट ले लो बी -3, इनमें रिलेशन निकालना है भाई, कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई वो जितना ए से दूर है उतना ही बी से दूर है, भाई दोबारा से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एपी इज इक्वल टू बीपी, ठीक है, तो एपी कितना है हमारे पास 3, ऐसे करो ना एपी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, रिलेशन निकाल लेंगे, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, या प्लस की आइडेंटिटी लगाओ 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, ये रूट में ही है सारा कुछ। जब हम क्या करेंगे, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर -8। अब देखो 9 इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आएगा कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x इधर का माइनस क्या है, इधर से भी आके माइनस होता है, 12y इधर माइनस क्या है, उधर से आया, तो ये बन गया 8y। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमारे पास आएगा 36 माइनस का और 16 प्लस का, तो ये आएगा माइनस का 12x माइनस का 4y इज इक्वल टू 36 में से 16 गए माइनस का 20, नेगेटिव कॉमन ले लो, ये बचेगा 4, नेगेटिव ऐसे करते हैं
नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं, या इधर ही ज्यादा शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर कॉमन ले लो, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, तो ये उधर जाके डिवाइड होके जीरो, तो जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये x और y में रिलेशन फॉर्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है क्वेश्चन का, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है ये 7 से 10 तक सारे। अब इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, दूसरे फॉर्मूला हैं, हम अगले सेशन में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें, एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।